अभी हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज हम जो प्रोडक्ट डिस्क्राइब करने वाले हैं वो क्वालिटी से रिलेटेड है, जो कि गियर लाइन की इंस्पेक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। हमारे साथ हैं विपिन भोसले जी, जो कि एक यूरोपियन कंपनी के हैं और ये आपको थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम है विपिन जी। थैंक यू। और थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए हमें कि ये एक्चुअली है क्या, आपकी कंपनी किस टाइप से काम करती है और ये मशीन जो है किस टाइप से हमारे जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है उसको मेजर कर सकती है। तो ये कंपनी जो है वो काप नाइल्स मेट्रोलॉजी ग्रुप है, जो जर्मन कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है। ये कंपनी गियर मेजरिंग मशीन में डील करती है। ओके। हमारे पास 300 mm डायमीटर से लेके 8 मीटर तक मशीन है। तो अब 300 mm डायमीटर से चालू होता है, फिर नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा 750 mm डायमीटर, उसका बाद नेक्स्ट मॉडल है 1.2 मीटर, और फिर 1600 mm, फिर 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 8 मीटर तक हम लोग ने प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। ओके। ये फर्स्ट टाइम हम लोग गियर वर्ल्ड में CNC कंट्रोलर डेवलप किया है 5 एक्सिस का। नॉर्मल जो मशीन आता है उनका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सी एक्सिस, ये 4 एक्सिस का कंट्रोलर होता है। कार्पनेक्स मेट्रोलॉजी ने फर्स्ट टाइम गियर वर्ल्ड में 4+1 टेलस्टॉप। तो आप मशीन, कोई भी मशीन होगा, ये मशीन जो होगा वो हमेशा इस मशीन को अपर सेंटर का पोजीशन विथ रेफरेंस टू लोअर सेंटर मालूम होगा। तो जो करेक्शंस जो देना पड़ता है वो इस केस में देना नहीं होगा। कार्पनेल्स मेट्रोलॉजी ने ये मशीन एयर बेरिंग टेक्नोलॉजी और लीनियर मोटर टेक्नोलॉजी कंबाइन करके डेवलप किया है। ये मशीन में आप सिलेंड्रिकल गियर्स फॉर लीड, प्रोफाइल इंस्पेक्शन, इसका हेलिकल एंगल चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल इंस्पेक्शन, लीड, पिच मेजरमेंट कर सकते हैं। पिच मेजरमेंट के बाद रनआउट मेजरमेंट होता है, वो रनआउट मेजरमेंट कर सकते हैं। DOT मेजरमेंट होगा, पैन मेजरमेंट होगा, टूथ थिकनेस का मेजरमेंट, एक्स वैल्यू, XR, ये सारे पैरामीटर्स ये मशीन पे हो सकते हैं। मशीन का रिजोल्यूशन 0.05 माइक्रॉन है। मशीन का एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड VDI-VDE 261213 Group 1 Class 1 का मशीन है। मशीन हम लोग डैम्पनिंग सिस्टम के साथ देते हैं। ओके। वाइब्रेशन का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, डैम्पनिंग सिस्टम की वजह से क्या होता है कि अगर आपका फ्लोर से अगर कुछ वाइब्रेशन आता है बिकॉज ऑफ फोर्जिंग व्हीकल ये होता है, तो फिर वो जो वाइब्रेशन है वो ये डैम्पर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। okay. और जिसकी वजह से आपका मशीन के ऊपर मेजरमेंट में कोई उसका वेरिएशंस नहीं आता है। ओके। एक चीज और, जैसे मैं, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम CMM को यूज करते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में करते हैं, तो ये क्लोज एनवायरनमेंट में इसको यूज करना है या ओपन एनवायरनमेंट में कर सकते हैं? ये मशीन को आपको क्लोज एनवायरनमेंट में यूज करना है। okay. क्योंकि नॉर्मली कोई भी टेम्परेचर कंट्रोलर में करना है, लेकिन मशीन आपको एयर बेरिंग टेक्नोलॉजी में होने की वजह से कंप्रेस्ड एयर सप्लाई उसको रिक्वायर्ड है और प्योर एयर का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे जिसके अंदर हम जैसे अलग अलग टाइप के गियर्स होते हैं, बेवल गियर्स है, आपका है, ये मशीन यहाँ पे अभी बेवल गियर चेक करा, ये स्पाइरल बेवल गियर है, स्पाइरल गियर का पिनियन है। इस केस में यहाँ पे वो टोपोग्राफी मेजर कर रहा है, टोपोग्राफी, और अभी टोपोग्राफी मेजर करके हो गया, अब ये पिच मेजरमेंट कर रहा है और पिच मेजरमेंट करके ये इसका फाइनली आउटपुट निकलता है। तो आपका आउटपुट जो है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जनरेटेड, हमारे सॉफ्टवेयर उसका आउटपुट जनरेट कर लेता है और उसका सारा वैल्यूज दे देता है। ये बेवल गियर का हो गया, सेम वे आपका सिलेंड्रिकल गियर्स का होगा या फिर स्प्लाइन वगैरह, वम शाफ्ट का होगा, ये वम शाफ्ट है इसका, फिर वम व्हील, हाँ ये वम शाफ्ट है, वम व्हील होगा उसका इंस्पेक्शन हो सकता है। फिर ये जो सिलेंड्रिकल गियर है वो कट करने के लिए कटर्स आता है, हॉब कटर रहता है, ये अभी हॉबिंग करके बनाया हुआ है। तो हॉबिंग करने के बाद जो हॉबिंग का कटर यूज करते हैं वो कटर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फिर ये इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट ऑपरेशन जो ग्राइंडिंग है, तो ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग करने के बाद भी इंस्पेक्शन होगा और ये हॉबिंग का इंस्पेक्शन होगा। तो ये जो दो अलग अलग रिपोर्ट होंगे उसका हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, इस टाइप का अलग अलग जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो जो इसके जो अलग अलग ग्रुप्स है, राइट, ये बेसिकली जो है गियर के लिए आपने बनाया है, राइट, ये
या फिर हम जो है कि कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको भी हम इसमें कर सकते हैं। यस सर, आप सिलेंड्रिकल शाफ्ट, जैसे ये शाफ्ट है, राइट, ये शाफ्ट को मैं बिटवीन सेंटर होल्ड कर दूंगा। बिटवीन सेंटर होल्ड करने के बाद इस शाफ्ट का अगर आपको डायमीटर लेना है, राइट, या कोएक्सियलिटी देखना है, कॉन्सेंट्रिसिटी देखना है, इसका लेंथ देखना है, यहाँ पे फेस रन आउट देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलरिटी देखना है, ये सारा पैरामीटर इसमें हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई क्रिटिकल जॉब आती है जिसमें ऐसी सारी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम सिर्फ सिंगल मशीन से ही, सिंगल मशीन से आप सारा सभी कुछ कर सकते हैं। जीडीएनटी पैरामीटर्स होगा, सिलेंड्रिकल गियर्स होगा, ऑफ कटर, शेविंग कटर, शेपिंग कटर, बेवल गियर्स, वर्म व्हील, वर्म शाफ्ट, सिंक्रो रिंग मेजरमेंट, रोटर इंस्पेक्शन, जो रोटर जो स्क्रू कंप्रेसर्स में यूज होते हैं उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, साइक्लोडल गियर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये गियर का अगर डेटा आपको मालूम नहीं है तो मशीन आके गियर को स्कैन करेगा और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये गियर का डेटा आपको जनरेट करके दे देगा। स्कैनिंग, स्कैनिंग, स्कैनिंग करके, स्कैनिंग इज अवेलेबल इन दिस मशीन, दिस मशीन, दिस प्रोवाइड इज स्कैनिंग प्रोवाइड सर। ओके, सो स्कैन करके आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको इसका डेटा बता सकता है, तो ये भी आप अवेलेबल है सर। यस यस, दिस इज नाइस सर। और नॉट ओनली दिस, जो स्टैंडर्ड मशीन्स आता है वो फिक्स सेंटर के साथ आता है, फिक्स सेंटर के साथ आता है। ओके, तो आप सेंटर लगा के बिटवीन सेंटर आपको ये सेंटर आप जो है पूरा ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसमें आइडियली जब आपको बिटवीन सेंटर पार्ट, बिटवीन सेंटर पार्ट को होल्ड करना है, तो यस ये सेंटर पेट लगेगा। यस, और आइडियली बिटवीन सेंटर होल्ड करने के बाद आपको अलाइन करने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि बिटवीन सेंटरिंग ऑलरेडी हम लोगों ने अलाइन करके दिया है मशीन को, राइट। लेकिन अगर आप पार्ट को चक में होल्ड करते हैं तभी आपको ये अलाइन करना इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये अलाइनमेंट कर लिया मशीन ने, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज मैंने आपको दिखाया कि अलाइनमेंट अलाइनमेंट हो सकता है। अब मैंने अभी दो और ही अलाइन करके दिखाया, फिर उसके बाद मैं अभी गियर पोजीशन फाइंड आउट करेगा, गियर का पोजीशन क्या है मशीन फाइंड आउट करेगा और फिर प्रोफाइल और लीड इंस्पेक्शन चालू कर देगा। ओके, इंस्पेक्शन, लीड इंस्पेक्शन, अब ये प्रोफाइल इंस्पेक्ट कर रहा है, सॉरी लीड इंस्पेक्ट कर रहा है, और अब प्रोफाइल करेगा, ये प्रोफाइल इंस्पेक्शन कर रहा है, प्रोफाइल इंस्पेक्शन ऑफ लेफ्ट लाइन। फिर चार फ्लैंक लेफ्ट का, चार फ्लैंक राइट का लीड एंड प्रोफाइल करने के बाद वो पिच इंस्पेक्शन करेगा पूरा। हाँ, ओके, ये तो हो गया अभी। हाँ, कि आपने जो है इस मशीन का डेमो आपने देख लिया है और इसकी ज्यादा डिटेल जो है, जैसे अगर हमें जो सिंपली ऑपरेशन होते हैं जीडीएनटी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, अगर कोई हमारे पास सिंपल कंपोनेंट्स आता है, हाँ, तो वो भी हम जो है इससे इजीली मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और इस उसी के लिए हमारा डेमो सेंटर है बैंगलोर में। ओके, हाँ, बैंगलोर में नंदी दुर्गा रोड में टॉप नाइल्स इंडिया करके, ओके, आप सर्च करके वहाँ पे हमारे लोकेशन पे आप आपका पार्ट्स अलॉन्ग विद ड्राइंग लेके आ सकते हैं और हमें आपका हम आपको इंस्पेक्शन, ओके, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स रहते हैं अगर किसी को कोई सॉल्यूशन चाहिए आपसे, हाँ, हाँ, तो वो आपको जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो हम आपका जो है कॉन्टेक्ट नंबर हमारे वीडियो के एंड में जो है दे सकते हैं, जैसे कि कोई जिसको कॉन्टेक्ट करना है, कस्टमर को आपको डायरेक्ट अप्रोच करना है, तो वो आपको कर सकता है, राइट। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, बहुत बढ़िया लगा सर आपका डेमो। थैंक यू, ओके।